हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है भगवान विष्णु जी पर हिंदी निबंध। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। भगवान विष्णु जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। उन्हें नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हरि का मतलब होता है हरने वाला या चुराने वाला। इसी वजह से भगवान विष्णु जी को हरि नाम दिया गया, क्योंकि वे लोगों के जीवन के सभी दुखों को हर लेते हैं। भगवान विष्णु के शरीर का रंग नीला है। उनके चार भुजाएं हैं, जिनमें उन्होंने एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे हाथ में चक्र और चौथे हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी हैं। भगवान विष्णु जी का निवास क्षीर सागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनका वाहन गरुड़ है। विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है। गुरुवार का दिन विष्णु जी का होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के पूजन के दौरान उन्हें विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। तुलसी के पत्ते चढ़ाने से भगवान विष्णु जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जी को पीले रंग की वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले रंग के फल, फूल, मिठाई, चना, गुड़, केले आदि का भोग लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इस दिन ओम नमो नारायणाम नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप 108 बार लोग करते हैं। अक्षय तृतीया, एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, तुलसी विवाह, सत्यनारायण कथा आदि में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तो उसे नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं अलग अलग अवतारों में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु सभी लोगों के दुखों को दूर करते हैं। जो भी लोग श्रद्धा से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान विष्णु उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।